तमाम ऋषि मुनियों की तपोस्थली रहने वाली ये धरती अपने आप में बड़ा पवित्र और ऐतिहासिक है। इस धरती पर बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने तपस्या किया है। इसी पावन धरती पर महर्षि भृगु मुनि को श्रापों से मुक्ति मिली थी। त्रिदेव परीक्षण के दौरान क्षमा बढ़न को चाहिए छोटन को उत्पात, कहां विष्णु का घट गयो भृगु ने मारी लात। पद्म पुराण के उपसंहार खंड के अनुसार जब भृगु मुनि जी ब्रह्मा और शिव के परीक्षण के बाद विष्णु भगवान के पास पहुंचे तो वहां की स्थिति देख अपने पैरों से विष्णु के छाती पर प्रहार कर दिया, लेकिन विष्णु भगवान क्रोधित न होकर उनके पैरों का पूजा किए। उस दौरान भृगु जी ने विष्णु को सर्वश्रेष्ठ देवता तो घोषित कर दिया, लेकिन लक्ष्मी जी ने भृगु मुनि को श्राप भी दे दिया। अंततः इसी पवित्र धरती से इनको मुक्ति मिली। ये मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा मास में जो गंगा स्नान कर भृगु मुनि के चरणों पर जल चढ़ाता है तो उसके जन्मों जन्मांतर के पाप दूर हो जाते हैं। बालेश्वर जी मेरा नाम है, मैं यहाँ का चार्ज। भगवान भृगु जी को श्राप से मुक्ति बलिया में ही मिली थी। उनको एक दंड मिला था ये कि आप जहाँ इसकी पत्ती हरी हो जाएगी, कोई हरी हो जाएगी, वहीं पर आपको मुक्ति से मुक्ति मिलेगा। तो ये चारों लोक में भ्रमण करते हुए बलिया में जो आए थे, इनकी पत्ती कोइन का पत्ता जो है निकल गया दंड से, और यहीं पर अपना मतलब कि पूजन पाठ करने लगे, जप यज्ञ करने लगे, गंगा स्नान करके भृगु मुनि के चरण पर जल चढ़ा रही हैं और तुरंत मुक्ति मिलेगी। जी मैं पंडित कुश कुमार शास्त्री। देखिए जिस प्रकार त्रिदेव परीक्षण के दौरान भृगु जी ने भगवान विष्णु के छाती पर अपने पैरों से प्रहार किया, लेकिन भगवान विष्णु ने उन्हें क्षमा कर दिया और उनसे पूछा कि मुनिवर आपके पैरों में चोट तो नहीं लग गया। तो इस प्रकार की यह धरती है और भृगु जी उस सांप से मुक्ति के बांस लेकर आए और यहाँ पे इसी धरती बलिया के धरती पर वह बांस हरा हो गया, तब से इसकी और महिमा बढ़ गई। और इस पवित्र कार्तिक के महीने में जो आने वाला है, उस महीने में जो भी गंगा जी स्नान करते हैं, भृगु जी मंदिर को दर्शन करते हैं तथा बालेश्वर जी का दर्शन करते हैं, उनके अनंत जन्मों की पापों से मुक्ति हो जाती है तथा वो भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं। ऐसी इस बलिया की भूमि का विशेष महत्व है। डॉक्टर शिव कुमार सिंह को उसके देखिए पद्म पुराण के उपसंहार खंड के अनुसार महर्षि भृगु मंदराचल पर जब यज्ञ हो रही थी तो उस यज्ञ में उनको परीक्षक चुना गया था कि त्रिदेवों में श्रेष्ठ कौन है, और उनकी परीक्षा लेने के लिए महर्षि भृगु निकले थे। तो उन्होंने विष्णु जी को सर्वश्रेष्ठ देवता तो घोषित किया, लेकिन इसके साथ ही हम सभी जानते हैं यह कि उन्होंने महर्षि भृगु ने विष्णु जी के छाती पर लात मारा था, और उसके बाद उनको उनके दादा मरीचि ऋषि ने एक सूखा बांस का दंड दे करके और कहा था कि जहाँ इस बांस में कोपले फूटने लगे तो वहाँ पर ही तुम्हें मुक्ति मिलेगी, वहीं विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना। और महर्षि भृगु जब बलिया के गंगा तट पर पहुँचे तो उस बांस से कोपले फूटने लगी थी और वहाँ उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करके और मुक्ति पाई थी। कार्तिक महीने में गंगा के किनारे एक महीने तक पूरे देश से लोग साधु महात्मा आके कल्पवास करते हैं, और ऐसी मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भृगु तीर्थ सभी को मुक्ति देने वाला है, केवल गंगा जी में स्नान करके। लोकल 18 के लिए बलिया से सनंदन उपाध्याय की रिपोर्ट।